आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता में आप नेता मीनाक्षी जैदी ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण देश में भूखमरी तेजी से बढ़ रही है। इन हालात में राजस्थान की स्थिति और भी ज्यादा खराब हो रही है, क्योंकि राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा योजना के तहत उपलब्ध होने वाले अनाज को भूखमरी के शिकार लोगों तक पहुंचाने में नाकाम है। आम आदमी पार्टी राजस्थान का आरोप है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार 46,000 टन अनाज लैप्स हुआ, क्योंकि राज्य सरकार राशन का वितरण का काम ठीक से नहीं कर पाई। शर्मनाक बात है ये। यह जिम्मेदारी मुख्यमंत्री खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री की बनती है, लेकिन सरकार के मंत्री अधिकारियों को दोषी ठहराकर खुद जिम्मेदारी से भाग जाना चाहते हैं। हमारी मांग है कि राजस्थान में इस संबंध में एक खाद्य सुरक्षा की हाई पावर एड कमेटी बने, जिसके अध्यक्ष रिटायर्ड हाईकोर्ट जज हो, इसमें सिविल सोसाइटी के लोगों को जोड़ा जाए और इस फील्ड के एक्सपर्ट भी शामिल हो। ऐसी कमेटी की देखरेख में खाद्य सामग्री का वितरण होना चाहिए। कब से नहीं मिल रहा आपको राशन? हमको बहुत साल हो गए, हम जानते ही नहीं क्या चीज आती है क्या नहीं आती। योजना के बारे में पता नहीं है क्या? बीपीएल में हो? बीपीएल में हो? बीपीएल एपीएल जन आधार बने रहे, जन आधार बनूंगा। और ना कभी अभी चिरंजी बनाया था पैसों में, अब वो रिपीट करवाने के लिए फिर दोबारा कहते हैं कि भाई गेहूँ कब से नहीं मिल रहा? गेहूँ तो आटा हम जानती नहीं कब पिसवाया हमने और कब खाया हमने, इसलिए नहीं जानते। हमें आज जो बुलाया है इसका थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं। जो परसों प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने जो हमारे माननीय खाद्य एवं आपूर्ति के मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया और वो बयान करके अखबारों में छपा कि सरकार के एक विभाग के अफसरों की लापरवाही की वजह से 46,000 टन गेहूं लैप्स हो गया। उसके लिए उन्होंने जो हमें केंद्र सरकार से मिलता है खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत, और उसके लिए उन्होंने अपने विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया और उसके जरिए उन्होंने अधिकारियों के एसीआर भरने का जो एक जिम्मेदारी थी वो लेने की उन्होंने इच्छा जाहिर की कि हमें वो एसीआर मिलनी चाहिए, एसीआर हम भर सकें अधिकारियों की। और उसके मतलब ये एक बहुत ही जो कांग्रेस सरकार है हमारे यहाँ पे, उनका एक नारा है कि संवेदनशील और जिम्मेदार सरकार, इसके बिल्कुल ही उलट काम किया है हमारे माननीय मंत्री ने। उन्होंने एक गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, क्या अधिकारी एसीआर भरने का अगर उनको राइट होगा तभी काम करेंगे? और एक तरफ तो